दोस्तों, एक कमेंट आया हुआ था कि एक फेस मोटर जो हमारी होती है, जैसे कि हमारा सीलिंग फैन है या मोटर है हमारी पानी की, या हमारा जो कूलर में जो पंखा लगता है वो, तो उसमें कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हम लगाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे कि कैसे हम चुनाव करें कैपेसिटर का। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सिंगल फेज मोटर में जो कैपेसिटर हम लगाते हैं वह केवल और केवल स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। ठीक है, स्टार्टिंग व्हाट स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। वास्तव में होता क्या है कि सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसमें कैपेसिटर जो हम लगाते हैं वह केवल और केवल एंगल को बनाता है। जैसे कि हमारा जो थ्री फेस मोटर होती है, वह चूंकि थ्री फेस चलती है, उसमें आर वाई बी ये तीनों फेस होते हैं, और इन तीनों फेसों में एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अब यह कोण क्यों होता है यह एक अलग विषय है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि 120 डिग्री का कोण क्यों बन जाता है। ठीक है, तीनों फेसों के बीच में। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है कि सिंगल फेस मोटर के ऊपर है, तो जो 120 डिग्री का कोण बन जाता है, तो तीनों फेसों में 120 डिग्री का कोण होता है, जिसकी वजह से उसमें स्टार्टिंग टार्क जो है जनरेट हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से। लेकिन जो हमारा सिंगल फेस मोटर होता है उसमें तो चूंकि एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, दो ही चीजें होती हैं, तो इसके बीच में तो कोई जो हमारा फेस एंगल तो बन नहीं पाता है, इसलिए हमारी मोटर चल नहीं पाती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं मोटर के अंदर। तो यह जो कैपेसिटर होता है वो करता क्या है कि इसमें चूंकि दो वाइंडिंग होती है, जो हमारी मोटर होती है सिंगल फेस की, उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी, दो वाइंडिंग होती है। तो इन्हीं दोनों वाइंडिंगों के बीच में जो कोण होता है उसको बना देता है कैपेसिटर। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बना देता है। दोनों वाइंडिंगों के बीच में 90 डिग्री का फेस एंगल आ जाता है और स्टार्टिंग टार्क जनरेट हो जाता है और हमारी मोटर चलने लगती है। वास्तव में देखिए, जैसे कि ये हमारी मोटर का जो वाइंडिंग वाला हिस्सा है इस, ठीक है, ये जहाँ पे वाइंडिंग की जाती है, और ये हमारा बीच में एक रोटर होता है। ठीक, यही हमारा घूमता है। तो इसमें क्या है कि फेस मतलब यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ पोल बना, ठीक है, यहाँ साउथ बना, ठीक, फिर यहाँ नॉर्थ बना, यहाँ साउथ बना, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो फेस एंगल बनेगा नहीं, तो जो कैपेसिटर ना होने से फेस एंगल बनेगा नहीं, और जब फेस एंगल नहीं बनेगा तो रोटर जो है हमारा एक जगह पे जाम हो जाए, क्योंकि रोटर जो होता है यह लोहे का बना हुआ होता है, तो कोई एंगल बनेगा नहीं। ठीक, मतलब ये हुआ कि जो हमारा रोटर होता है इसमें जो स्टेटर होता है उससे अपोजिट फेस एंगल बनता है। इसमें आपका आपका नॉर्थ पोल बनेगा तो इसमें साउथ पोल बनेगा। ठीक, तो दोनों अगर एक साथ बन जाएंगे तो चिपका लेंगे। उस वक्त क्या होगा कि यहां पर नॉर्थ बने तो यहां पर भी नॉर्थ बने। ठीक है, तो होता क्या है कि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब फेस एंगल हो जाता है तो यहां पर नॉर्थ बनेगा तो यहां पर नॉर्थ बन जाएगा, दोनों सेम पोल बन जाएंगे और हमारी मोटर जो है वो रोटेट करने लगेगी। ठीक, तो फेस एंगल वो बना देता है जो हमारा कैपेसिटर होता है। तो और यह चीज तो हो गया कैपेसिटर का, लेकिन यदि आप इसको प्रैक्टिकली चेक करना चाहें तो जैसे मान लीजिए आपकी मोटर चल नहीं रही है या पंखा चल नहीं रहा है, तो उस वक्त क्या है, अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पंखे को एक बार आपको घुमाना पड़ेगा। जब आप एक बार घुमा देंगे तो उसमें स्टार्टिंग टार्क जो है वो जनरेट हो जाएगा और उसमें जो फेस एंगल है वो अपने आप बन जाएगा, और जब बन जाएगा तो आपका मोटर जो पंखा है वो लगातार वो घूमता रहेगा। अब आइए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो कैपेसिटर कितने जो माइक्रोफैराड का हम लगाएं अपने पंखे के लिए। तो नॉर्मली जो पंखा हम उपयोग में लाते हैं, जो घरों में सीलिंग फैन होता है, वह 70 वाट का पंखा होता है। आप
हर चीज़ में निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जास्ट होता है वो लगभग 120 वाट का होता है। सिंगल फेस की आप मोटर के ऊपर आप निकाल सकते हैं, जो एक किलोवाट एक एचपी की होती है उस पर ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन एचपी में जो रहेगा उसको आपको किलोवाट में बदलना पड़ेगा, मतलब किलोवाट का मतलब वाट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। वाट में बदल करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 70 वाट का अगर आपका पंखा है तो उसको कितने माइक्रोफैरड कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि माइक्रोफैरड इज इक्वल टू होता है पावर इनटू एफिशिएंसी अपॉन वोल्टेज का स्क्वायर इनटू हर्ट्ज इनटू 1000, ठीक है। तो अब इसको आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमारा पावर कितना है, 70 वाट का पावर है क्योंकि पंखा हमारा 70 वाट का है, इनटू देखिए इफिशियंसी जो होती है, अगर आपको रिटर्न में नहीं दिया गया है, लिखित में नहीं दिया गया है, तो आप जैसे पावर फैक्टर आपका होता है वह 0.8 होता है, स्टैंडर्ड ले लिया जाता है, तो इफिशियंसी भी आप 0.8 ले सकते हैं, मतलब 80% आप इफिशियंसी ले सकते हैं। तो 80% हमने इफिशियंसी ले ली, बट वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट घरों में आता है, तो 220 × 220 × हर्ट्ज हमारा 50 हर्ट्ज है इंटू 1000, ठीक है। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे तो देखिए 7 × 8 = 56 हो गया, और देखिए ये दो जीरो इसके ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे, तो दो जीरो यहाँ पे बढ़ गए, ठीक, चूंकि 100 का भी गुणा इधर हो जाएगा ना ऊपर, बटे देखिए 22 × 22 हम दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 22 × 22 इसका टू आ जाएगा 484, तो 484 × 5, ठीक है। तो अब देखिए 484 × 5 हम कर दें तो आ जाएगा 2420, तो 5600 × 2420, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, अब सीधे 560 में 242 का भाग दे देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 560, ठीक है, डिवाइडेड बाई 242 आ जाएगा 2.31 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा 70 वाट का जो पंखा होगा उसमें हमें 2.31 माइक्रोफैरड कैपेसिटर अगर हम लगाएंगे तो हमारा पंखा स्मूथली चलता रहेगा। अगर आप चाहें तो आप जो आपका एग्जास्ट फैन होता है उसका भी निकाल सकते हैं, जो हमारा समर्सिबल पंप होता है सिंगल फेस का वो लगभग 1 HP के आसपास होता है, तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप सब कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर 70 वाट की जगह पर जितना आपका पावर हो उतना आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का लगाना है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और उनको अच्छे से यह चीज़ का कैलकुलेशन वो आराम से निकाल सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो के साथ, नमस्कार दोस्तों।